वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, इन पार्ट सेकंड ऑफ क्वेश्चन सीरीज ऑफ केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। स्टूडेंट्स, लेट्स डू सम मोर क्वेश्चंस ऑफ सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। क्वेश्चन आपके पास है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ Re2Cl8 फोर नेगेटिव आयंस। ठीक है, क्वेश्चन IGU 2019 के अंदर पूछा गया है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसके अंदर आपको करना क्या है, आपके पास कॉम्प्लेक्स गिवन है, दैट इज Re2Cl8 फोर नेगेटिव। ठीक है, इसकी आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। अब देखिए यहाँ पर जो आपके पास रिहीनियम एटम है, दिस वन, ये जो रिहीनियम एटम है ये कौन से सीरीज से बिलोंग करता है, ये बिलोंग करता है मन तक रहे, इसका मतलब ये 5D सीरीज से बिलोंग करता है, ये 4D सीरीज है, ये 3D सीरीज है, ये 5D सीरीज से बिलोंग करता है। ओके, इट बिलोंग्स टू 5D सीरीज। ओके, और 5D सीरीज और 4D सीरीज के बारे में एक कंसेप्ट है कि दे फॉर्म मोर मेटल मेटल बॉन्ड इन कंपैरिजन टू 3D सीरीज एलिमेंट्स। ठीक है, 3D सीरीज एलिमेंट्स के कंपैरिजंस में ये मेटल मेटल बॉन्ड की फॉर्मेशंस ज़्यादा करते हैं। ठीक है, उसी बिहाव पर जब हमने रेनियम की स्ट्रक्चर देखी है, तो रेनियम की स्ट्रक्चर के अंदर जो दो रेनियम मेटल हैं, ठीक है, दो रेनियम जो आपके पास मेटल्स हैं उनके बीच में जो बॉन्ड है वो कितना है आपके पास, फोर। ठीक है, फोर बॉन्ड्स उसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं, क्लोरीन जो है सब्स्टिट्यूटेड है रेनियम के ऊपर। ओके, तो यहाँ पर आपके पास फोर बॉन्ड प्रेजेंट है। ओके, ये फोर बॉन्ड यहाँ पर प्रेजेंट है। फोर बॉन्ड्स में बॉन्ड्स है कौन कौन से, ये है आपके पास सबसे पहले आता है सिग्मा बॉन्ड, देन सेकंड बॉन्ड पाई है, देन अगेन पाई बॉन्ड है, और लास्ट बॉन्ड आपके पास डेल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ यदि हम इस स्ट्रक्चर का डिस्कशन करें, कम एक स्ट्रक्चर को देखें, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है कि यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर के हिसाब से यहाँ जो इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है, दैट इज DSP2। और जब DSP2 हाइब्रिडाइजेशन आती है तो हम क्या बोलते हैं, आपके पास ज्योमेट्री कैसी है, स्क्वेयर प्लेनर ज्योमेट्री है। ठीक है, तो यहाँ DSP2 के अंदर मतलब आपके पास क्या है, एक डी ऑर्बिटल है, एक एस ऑर्बिटल है, और दो पी ऑर्बिटल्स है, जिसको हम PX या PY बोलेंगे। ठीक है, तो देखिए जो यहाँ पर डी ऑर्बिटल यूज होता है वो कौन सा यूज होता है आपके पास, DX²-Y²। एस आपके पास ऑलरेडी वन ही होता है, PX और PY यूज होते हैं जब स्क्वेयर प्लेनर ज्योमेट्री बनती है। अब देखिए यहाँ जो ये बॉन्ड फॉर्म होता है, ये जो बॉन्ड फॉर्म होगा उस बॉन्ड के अंदर जो ये आपके पास ऑर्बिटल है वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, क्योंकि इन्होंने किसके साथ पार्टिसिपेशन कर लिया है, क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए। ठीक है, तो रिमेनिंग यदि आप देखें कि आपके पास यहाँ सिग्मा पाई अगेन पाई और एक दो डेल बॉन्ड है, वो किस किस ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से बना है, तो वो हमारे पास हम याद रखेंगे कि वो किस किस से बना है। यदि हम सिग्मा की बात करते हैं, ठीक है, तो वो बनता है आपके पास DZ²-PZ है ये, देन पाई जो बनता है वो DYZ से आपके पास, और दूसरा बनता है DXZ, और आपके पास जो बचता है डेल बॉन्ड, दैट इज बाई DXY, जो रिमेनिंग बच गए थे डी ऑर्बिटल्स, क्योंकि आपके पास यहाँ एक ऑर्बिटल यूज हो चुका है डी का, तो सेकंड डी ऑर्बिटल ये रहा, थर्ड ये, फोर्थ ये, एंड फिफ्थ वन ये। ठीक है, पी का आपके पास एक बचता है PZ। तो ये इस तरह से आपके पास क्या करते हैं, बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं। ओके, जब इस तरह से बॉन्ड फॉर्म होता है, तो उस केस में यदि हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं, तो चार बॉन्ड है, इसका मतलब क्या है, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके, और यदि इनका MOT डायग्राम हम ड्रॉ करें, तो आपके पास क्या होता है, सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड की एनर्जी सबसे कम, देन ये आपके पास सिग्मा, ये पाई बॉन्ड, और ये डेल बॉन्ड, एंड देन आपके पास क्या आती है, एंटी बॉन्डिंग, दैट इज सिग्मा स्टार, देन आपके पास पाई स्टार, एंड देन आपके पास डेल स्टार। तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ कितने हैं, चार बॉन्ड है, तो एक दैट इज 2 to 4 और 2 6 हो गए, और ये आपके पास 8 हो गए। तो यहाँ आपने देखा कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे वो सारे के सारे क्या हैं आपके पास, दैट ऑल आर पेयर्ड। तो आपके पास जो कॉम्प्लेक्स होगा वो क्या होगा, डाया मैग्नेटिक होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या देखेंगे, रेनियम की स्ट्रक्चर Re2Cl8
फोर नेगेटिव स्क्वायर प्लेनर्स, इसकी क्या है आपके पास स्ट्रक्चर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि वाई जेड आर एंड एच एफ हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज। ठीक है, जेड आर एंड एच एफ जो है जिरकोमियन एंड आपके पास हाफमेनियम, ठीक है, बोथ हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज, सिमिलर प्रॉपर्टीज इनकी होती है, इसका रीजन हमें बताना है। क्वेश्चन आपके पास एमडीयू 2019 के अंदर और आईजीयू 2018 के अंदर पूछा गया है। तो देखिए, जो आपके पास जेडआर और एचएफ होते हैं उसकी जो आपके पास प्रॉपर्टी सिमिलर होती है उसका रीजन क्या होता है आपके पास, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शंस, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जब आप जर्कोनियम से हाफमेनियम में आएंगे, ये किस सीरीज से बिलोंग करता है, 4D से, और ये 5D से, तो यहाँ आपके पास क्या होती है, लेंथेनाइड सीरीज होती है। इस लेंथेनाइड सीरीज की वजह से इन दोनों की जो साइज है वो कंपेरेबल सी होती है, साइज क्या हो जाती है आपके पास, कंपेरेबल, एक जैसी हो जाती है, ज़्यादा डिफरेंस इनका नहीं होता है, ठीक है। सेकंड थिंग्स, यदि हम इनकी केमिकल रिएक्टिविटी की बात करते हैं तो वो भी इसके अंदर क्या होती है, सेम होती है, केमिकल रिएक्टिविटी भी क्या दिखाते हैं, दोनों सेम दिखाते हैं, केमिकल रिएक्टिविटी सेम होती है। थर्ड, यदि आप इसकी बात करें ऑक्सीडेशन स्टेट की, ठीक है, तो जो आपके पास जेड आर एंड एच एफ होते हैं दैट डज नॉट फॉर्म कंपाउंड इन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, जेड आर एंड एच एफ डज नॉट फॉर्म कॉम्प्लेक्स इन अ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स के अंदर ये नहीं बनाएंगे, मोस्टली ये क्या दिखाते हैं आपके पास, प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, ठीक है। देन यदि इनकी एक्वेस केमिस्ट्री की बात करें, एक्वेस केमिस्ट्री मतलब जब इनको वाटर में डाला जाता है, जेड आर एंड एच एफ को जब वाटर के अंदर डिजोल्व किया जाता है तो ये क्या होते हैं भैया आपके पास, अनस्टेबल होते हैं वाटर के अंदर, दे आर अनस्टेबल इन वॉटर, ठीक है, दे आर अनस्टेबल इन वॉटर। एंड देन आपके पास आता है, यदि हम इनके कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की बात करें कि किन कंपाउंड्स के साथ जो है ये इजिली कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर सकते हैं, तो जेड आर और एच एफ जो है, ठीक है, वो स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस की फॉर्मेशन करते हैं, फॉर्म स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस, स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस विद फॉस्फोरस, सल्फर एंड हैवियर हेलोजन्स, एंड हैवियर हेलोजन्स। सो हम देखते हैं कि मोस्टली जो इनके अंदर ये जो सिमिलरिटीज आई हैं उसका आपके पास एक ही रीजन है, दैट इज लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इनके अंदर ये सिमिलरिटीज देखने को मिलती है। क्वेश्चन है, डिस्कस द वेरिएशन ऑफ आयनिक रेडियाई एंड ऑक्सीडेशन स्टेट इन 3D, 4D एंड 5D एलिमेंट्स। क्वेश्चन आपके पास आया था MDU 2019, 17, 11, 12 एंड 14। MDU के अंदर ये 5 टाइम्स क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास दो चीज़ें पूछी गई है। फर्स्ट वन आपसे पूछा गया है कि आयनिक रेडियाई का कंपैरिजन कीजिए आप 3D, 4D और 5D सीरीज का। दूसरा आपसे पूछा गया है ऑक्सीडेशन स्टेट्स का, ठीक है। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे आयनिक रेडियाई का, आयनिक रेडियाई, ओके। तो देखिए, जो आपके पास आयनिक रेडियाई होती है 3D सीरीज की, 4D सीरीज और 5D सीरीज को आप कंपेयर कर सकते हो एक ही साथ। तो आपके पास जो 3D सीरीज के एलिमेंट्स होते हैं दैट आर ऑफ स्मॉल साइज, ये क्या होते हैं आपके पास, स्मॉल साइज के होते हैं, और जो 4D और 5D के होते हैं वो आपके पास लार्ज साइज के होते हैं। रीजन ये होता है कि 3D आपके पास ऊपर होती है, फिर 4D आती है और 5D आती है। हर बार आप क्या कर रहे हो, नंबर ऑफ जो आपके पास सेल्स हैं, एन नंबर क्या होता जा रहा है, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होता जा रहा है। सपोज कीजिए, यदि आपके पास यहाँ इस तरह से ये आपके पास क्या होगी, 1s, 2s, 3s, तो यहाँ आपके पास क्या है, 3D सीरीज यदि इसके अंदर है, 3s, 3p एंड 3d, तो नेक्स्ट में आपके पास क्या आया, 4s, 4p, 4d, नेक्स्ट में आपके पास आएगा 5s, 5p एंड 5d। तो हर बार क्या हो रहा है, आपके पास जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस से वो क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, इसका मतलब साइज इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है। देखिए, अब इसके अंदर भी आपके पास ट्रेंड्स होते हैं। जब आप 3D को देखते हैं तो 3D के अंदर आपके पास एलिमेंट्स क्या होते हैं, आपको हमने ट्रिक्स बताई थी, आप कैसे याद रखेंगे, सक, ती, व, क्र, मन,
फी को नी कू जन, ये 10 एलिमेंट्स आपके पास होते हैं। देन आपके पास होते हैं 4D के अंदर क्या होगा, 4D के अंदर होता है आपके पास यार, जरा, निभाना, मौत, तक, रुके, रहे, पड़े, अगर, कदम। ठीक है, ये आपके पास 4D सीरीज है। और जो 5D सीरीज होती है वो क्या होती है आपके पास, ला, हफ, ता, वरना, रे, ओसम, इधर, पिटाई, ओ, गी। ठीक है, तो अब इसके अंदर आप ट्रेंड देखिए कि जब आप स्कैंडियम से लेकर क्रोमियम तक जाते हैं, स्कैंडियम से क्रोमियम तक जाते हैं, तो इन दैट केस आपके पास जो आयनिक रेडियाई है, आयनिक रेडियाई जो आपके पास होती है वो क्या होती है भाई, डिक्रीज होती है। ठीक है, डिक्रीज होने का यहाँ पर रीजन क्यों है, क्या है, क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। ठीक है, यदि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, और ज्यादा अट्रैक्ट करेगा तो साइज कोलैप्स होगी, छोटी होगी। उसके बाद मैग्नीज से लेकर जब आप निकिल तक जाते हैं तो उस केस में आपके पास क्या होता है, मैग्नीज टू निकिल जाने के बाद जो आपके पास आयनिक रेडियाई है, आयनिक रेडियाई का जो ट्रेंड है वो यहाँ पे क्या रहता है आपके पास, कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट का मतलब है सिमिलर सा रहता है, ज्यादा चेंजेस नहीं आता। उसका रीजन यहाँ क्या है, रीजन ये है कि यहाँ पर जो न्यूक्लियर चार्ज है, न्यूक्लियर चार्ज एंड जो शील्डिंग इफेक्ट है, शील्डिंग इफेक्ट जो है बोथ आर इक्वल, बोथ आर इक्वल, दोनों क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाएंगे, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, तो आपके पास जो रेडियाई होगी वो कांस्टेंट रह जाएगी। बाद में जब आपके पास देखते हैं 3D10 होता है, और जिनके अंदर भी क्या होता है 3D10 होता है, तो यहाँ आप क्या करते हो, जब उसको फुल्ली फिल्ड कर देते हो, तो फुल्ली फिल्ड होने पर यहाँ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होता है, और साइज यहाँ याद रखेंगे कि साइज यहाँ इंक्रीज होती है। ठीक है, तो आपके पास हुआ कि यहाँ साइज डिक्रीज हुई क्रोमियम तक, फिर कांस्टेंट हुई और फिर इंक्रीज हो गई है। ठीक है, सेम ट्रेंड्स जब आप यट्रियम से लेकर अब कहाँ तक जाते हो, रोडियम तक जाते हो। ठीक है, सेम केस आप यदि लैंथेनम से लेकर इरिडियम तक जाते हो, इन दैट केस आपके पास साइज क्या होगी, डिक्रीज होगी। किसका रीजन है, यहाँ पर रीजन है न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, चार्ज इंक्रीज होता है, तो साइज यहाँ पर क्या हुई है, डिक्रीज हुई है। ठीक है, बाद में जब आप यहाँ देखते हो तो ये तीनों के तीनों D10 होते हैं। ठीक है, यहाँ पर 4D10 होता है, यहाँ 5D10 होता है, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन की वजह से यहाँ साइज क्या हो जाएगी, बाकियों के कंपेरिजन में इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि जब आप स्कैंडियम से क्रोमियम तक आए, साइज डिक्रीज हुई, देन आपके पास मैग्नीज से निकिल तक कांस्टेंट, एंड देन लास्ट में कॉपर जिंक में वो इंक्रीज हो गई है। सेम इसी तरह से जब आप इट्रियम से लेके रोडियम या लैंथेनम से लेके इरिडियम तक जाते हैं, डिक्रीज होती है, और जब आप यहाँ से प्लेटिनियम से कैडमियम या पैलेडिनम से कैडियम या प्लेटिनियम से कहाँ तक जाते हो, मरकरी तक जाते हो, तो साइज इंक्रीज होगी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। ठीक है, तो ये था आपके पास साइज का फैक्ट। सेकेंड फैक्ट जो आपसे पूछा गया है, वो पूछा गया है कि आपके पास क्या गिवन है, ऑक्सीडेशन स्टेट से पूछा है। सेकेंड फर्स्ट जो था वो उसने पूछा आपसे आयनिक रेडियाई, सेकेंड पूछा आपसे ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो देखिए यदि हम ऑक्सीडेशन स्टेट देखें 3D एंड 4D एंड 5D सीरीज की, तो 3D सीरीज के जो एलिमेंट्स होते हैं, 3D सीरीज के जो एलिमेंट्स होते हैं वो लो ऑक्सीडेशन दिखाते हैं, शो लो ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब +2, +3 तक। ठीक है, और जो आपके पास 4D और 5D सीरीज के एलिमेंट होते हैं वो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट जो है शो करती हैं, क्योंकि जो आपके पास हैवियर एलिमेंट्स होते हैं, क्योंकि रीजन क्या है इसका, कि जो हैवियर एलिमेंट्स हैं उनकी साइज क्या हो गई, बड़ी हो गई, तो उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, कम होगी, तो वो इजीली इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, तो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा मिलेगी। अब देखिए जब इन्होंने क्या किया है, लो ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या फॉर्म करते हैं, दे फॉर्म इन लो ऑक्सीडेशन स्टेट, दे फॉर्म ऑक्सीसॉल्ट, ऑक्सीसॉल्ट्स एंड हाइड्रेटेड सॉल्ट्स।
ठीक है। लेकिन जो आपके पास 4D एंड 5D के कंपाउंड्स होंगे वो ना तो ऑक्सीसॉल्ट फॉर्म करेंगे और ना ही हाइड्रेटेड सॉल्ट्स की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो ये था आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट। नाउ इसमें एक चीज और है कि जब आप यहाँ मैग्नीज देखते हो तो वो मैक्सिमम +7 ऑक्सीडेशन स्टेट तक शो कर सकता है और ओस्मियम जो है वो +8 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, ठीक है। +2 से लेके +7 तक मैग्नीज दिखाता है ऑक्सीडेशन स्टेट, ओके। तो +7 इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है और उसी तरह से यदि आप ओस्मियम देखें तो वो +8 मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है 4D सीरीज के।